अगर आपको भी सऊदी अरेबिया के बारे में जो है कुछ बातें जाननी है जो कि आज से पहले आपने नहीं जानी है, उस सऊदी अरेबिया जो एक जो है कंट्री है, गल्फ कंट्रीज हैं, वहाँ से रिलेटेड जो है कुछ जो है पांच बातें मैं ऐसे बताऊंगा जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, बल्कि आप उन्हें जान पाएंगे, बल्कि दूसरों के साथ आप उसे शेयर भी कर पाएंगे। ठीक है, तो जान लीजिएगा वो पांच बातें जो कि और दूसरे कंट्रियों से ये जो है इसको अलग करती है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई जिससे कि आपको पता चल जाए और आपको जो है सऊदी अरेबिया से रिलेटेड जो है ये बातें ना बल्कि पता चल पाएँ, बल्कि आप दूसरों के साथ ये चीज़ें शेयर कर भी सकें। ठीक है, तो उसके लिए देखिएगा जो है सबसे पहली तो चीज़ यह है कि जो सऊदी अरेबिया है ये एक जो है गल्फ कंट्रीज़ का जो है एक कंट्री है, ये जो है और गल्फ कंट्रीज़ के मुकाबले यहाँ के रूल जो है ज़्यादा स्ट्रिक हैं। पहला जो स्ट्रिक है रूल है यहाँ का और अच्छा भी है वो ये है कि यहाँ पर जो लेडीज़ हैं यहाँ पर काम तो कर सकती हैं, लेकिन अगर आप घर से बाहर वो निकलेंगी तो उनको जो है पर्दे में निकलना पड़ेगा, यानी उनको बुरका पहनना पड़ेगा, बिना बुरके के वो जो है नहीं निकल सकती है, जो कि बहुत अच्छी है और किसी कंट्री में ऐसा नहीं है। यही एक ऐसी मात्र कंट्री है, एक देश है जहाँ पर जो है औरतों को अधिकार तो है, हर चीज़ जो है उनके हस्बैंड उनके लिए करते हैं, लेकिन उनके लिए ये जो है शरीयत जो है वहाँ की इस्लाम के अकॉर्डिंग ये है कि वो जो है वहाँ पर जो है बिना बुरके के जो है नहीं निकल सकती, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे क्रिश्चियन हो कोई भी हो, वो बिना उसके नहीं निकल सकती, बाहर नहीं निकल सकती, घर में चाहे वो कैसे भी रह सकती हैं। ठीक है, तो ये जो है और दूसरे कंट्रियों से ये जो है अलग करता है इसको। दूसरी चीज़ ये आती है दोस्तों, यहाँ पर अगर आपने किसी पर, जैसे कि अगर आप किसी की लड़ाई हो गई है और आपने उस पर हाथ उठा दिया है तो आपको अच्छा खासा जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। तो यहाँ पर जो है सिर्फ ज़ुबान से आप बोल सकते हैं, यहाँ पर आपको हाथ उठाने का अधिकार नहीं है, जिससे कि यहाँ पर कोई भी ज़रा सा भी करप्शन नहीं है। लोग जो है ज़्यादा अपना हाथ उठाते हुए यहाँ पर डरते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हाथ नहीं उठा सकते आप, यहाँ सिर्फ ज़बान से आप कितना बोल सकते हैं लेकिन आप जो है हाथ नहीं उठा सकते हैं। ठीक है, तीसरी चीज़ जो है और कंट्री से मुकाबले इसको ये जो है अलग करती है वो ये करती है, यहाँ पर जो है आपको जो ये यहाँ पे जो चोरी आप नहीं कर सकते, यहाँ पर ज़रा से भी चोरी करने पर यहाँ पर आपके हाथ कट जाएंगे, यहाँ पर अगर चाहे सोने की भी चीज़ भी पड़ी है उसको आप उठा नहीं सकते हैं, अगर आपने ऐसा उठाया और पकड़े गए आप तो आपको जो है इसके जो शरीयत के अकॉर्डिंग आपको जो है वहाँ पर सज़ा दी जा सकती है। तो इसलिए यहाँ पर चोरी भी जो है ज़रा सी नहीं है और लोगों को यहाँ पर जो है इसका अधिकार नहीं है। ठीक है, चौथी चीज़ जो है वो यह है कि यहाँ पर जो है जैसे कि यहाँ पर जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जितनी भी बड़ी जो हैं वो अपनी जो है रेवेन्यू का 2.5% जो है एक यहाँ पर ज़कात जो शरीयत यहाँ पर देखिए इस्लामिक शरीयत फॉलो होती है तो 2.5% वो जो है अपना एवरी ईयर निकालते हैं जिससे कि वो गरीबों में जो है उसकी हेल्प होती है। तो ऐसा किसी भी कंट्री में नहीं है, तो यहाँ पर 2.5% जो है चाहे कितनी बड़ी कंपनी है वो जो है अपना ज़कात ईयर का, जो कि शरीयत में भी ये इसका इल्म है, लोगों को पता है कि जो है यहाँ पर जो शरीयत में जो इस्लामिक शरीयत के अकॉर्डिंग साल में जो है 2.5% अगर आपकी एक लिमिटेशन होती है मनी की, अगर उसके ऊपर अगर आपकी मनी है तो आपको ज़कात निकालनी पड़ती है, तो इसलिए यहाँ पर जो कंपनीज़ हैं वो जो है ज़कात निकालती हैं। ठीक है, तो आइएगा और पांचवी चीज़ जो यहाँ की और कंट्री से जो है ये अलग करती है वो ये है कि यहाँ पर जैसे कि यहाँ की जो पुलिस है वो बहुत अच्छी है, यहाँ पर अगर आपको कोई यहाँ पर ज़रा सा भी जो है जुर्माना नहीं लिया जाता है, सॉरी जैसे कि यहाँ पर जुर्माना तो लिया जाता है लेकिन यहाँ पर रिश्वत ज़रा सी भी नहीं ली जाती। ठीक है, तो यहाँ पर रिश्वत आप जो है नहीं ले सकते, किसी को देते हो पकड़ेगा तो आपको जो है पनिशमेंट हो जाएगा उसका। तो इसलिए यहाँ पर जो है आपको ज़रा सी भी जो है जुर्माना, अगर आपका जुर्माना है तो जुर्माना ही देना पड़ेगा आपको, यहाँ पर पनिशमेंट नहीं, रिश्वत आप नहीं दे सकते, अगर आप रिश्वत देते हुए पकड़े गए तो पुलिस ही आपको जो है यहाँ पर गिरफ्तार कर लेगी और आपसे जो है अच्छा खासा जुर्माना जो है भुगता जाएगा। तो ये पाँच चीज़ें जो है मैंने आपको बता दी जो कि और कंट्री के मुकाबले इसको जो है अलग करती हैं। ठीक है, अगर आपको और भी जो है इस तरीके की और भी वीडियो चाहिए तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लीजिएगा, करने का फ़ायदा मैं बता ही चुका हूँ, और इंशाल्लाह वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जिससे कि दूसरे लोगों को इसका पता चल सके, दूसरे लोग आके दूसरे लोगों के साथ ही चीज़ शेयर कर सकें। तो टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।